बैक टू लाली परी। मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, आज मैं अपना हेयर कट करने वाली हूँ। ये देखो, मेरा बाल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बार मतलब पूरा टैंगल हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा दुखता है। तो फिर इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं हेयर कट करने के लिए। तो फिर मेरा बाल आज छोटा होगा तो फिर से मैं अपना बाल बढ़ाऊँगी। ओके, तो फिर आज ना मेरे साथ आदि का भी हेयर कट करने वाले हैं हम। है ना आदि? आदि का भी बाल बहुत लंबा आ गया है कि उसका बाल ना उसके आईज को ही कवर कर लेता है, इसलिए हमको उसको चोटी करना पड़ता है कभी कभी। मेरा नाम है चुटिया। आज वीकेंड है तो इसीलिए काफी भीड़ है। तो फिर हमारा अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिली है और यहाँ पे मम्मी भी आए हैं, उनका तो हेयर कट नहीं होने वाला है ना? क्या आप भी करोगे? नहीं, मुझे करना। ओके, तो मम्मी भी हमारे साथ आएंगे। परी को छोटा छोटा बाल हो जाएगा, चलेगा ना? चलेगा, थोड़ा ज्यादा टैंगल तो नहीं रहेगा। इट सीम्स बहुत ज्यादा कितना हो जाएगा। अच्छा सा एक कट करेंगे, हेयर कट, वुल्फ कट। मैं सोच रही हूं कट करने के लिए। किस किस को पता है वुल्फ कट क्या होता है? पता नहीं, कल कोई किए होंगे शायद। पहले अगर कोई भी अगर वुल्फ कट सुने सुनेगा ना, ऐसा लगेगा कि वुल्फ जैसा कट। ये देखो फ्रेंड्स, मेरा बाल कितना ज्यादा लंबा हो गया है। यहाँ देखो, इतना लंबा हो गया है और इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे को आज बस काटना है। और अभी मेरे को ऐसे खुला रहने से बहुत गर्मी भी लग रही है। आदि, तुमको अपना हेयर कट करना है? हाँ। ये देखो बाल पूरा यहाँ तक ऐसे आ गया था। ऐसे देखो, यहाँ तक ऐसे आ गया था। ऐसे साइड कर रहा है, साइड भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ऐसे आ गया है ना, ऐसे। A few minutes later. परी, कौन सा हेयर कट करोगे? मेरे को तो लग रहा है मैं वुल्फ कट करूंगी। वो जो हमने जो फोटो चूज किया था, या फिर उधर जाके थोड़ा सा चेक करें कि कौन सा और हेयर कट है। उधर थोड़ा चेक करेंगे हम कि कौन सा अच्छा लगेगा। आदु, तुम्हारा भी हेयर कट कर ले। आदु का देखो, परी दीदी का करेंगे। देखो आदु का कैसे आंख में आ जाता है बाल। बहुत लंबा हो गया है। आदु का वो वाला करेंगे, वो वाला जो एक स्टाइल होता है ना, सिर के आते है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वैसा वाला। ठीक है, आदु का भी एक फोटो चूज कर लेते हैं। कौन सा आदु का हेयर कट करेंगे? बिल्कुल, अगर उधर होगा तो आदु का भी कर लेंगे। A few moments later. मुझे वुल्फ कट चाहिए, इसमें होगा कि नहीं? हो तो जाएगा, बट ये जो आगे का फ्रंट वाला हेयर है, ठीक है मैम? ओके, ये फ्रंट वाला हेयर उसका आगे फॉल होगा, ऐसे होगा, छोटा होगा। हाँ, ये स्ट्रेट हेयर है, अभी भी उसका पीछे प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है? Okay. ये इफ ये यहाँ पर शॉर्ट होगा, ठीक है, ये खड़ा हो जाएगा ऐसे करके। बट इतना ज्यादा नहीं होगा लग रहा है, क्योंकि वो चोटी करने से भी चलेगा ना? वो हो जाएगा, वो नहीं है, चोटी बिल्कुल नहीं होगा, चलेगा ना? बोले थोड़ा सा। ओके, फोनी में भी नहीं आएगा ये, यार पीछे में टक करने भी नहीं आएगा मैम। ओके, ये फ्रंट से ही फॉलो होगा ऐसे करके मैम। ओके ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। परी, अभी नहा लोगी? हाँ, मेरे को लग रहा था शैम्पू करके आना पड़ेगा सुबह सुबह। परी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अभी और नहाने की जरूरत है कि नहीं आज? ऑफ कोर्स नहाऊंगी, ये तो बस बाल है ना। ऐसा है क्या? हाँ। मुझे लग रहा था कि तुम आ रहा आज का हो गया। Eventually. परी का अभी पगड़ी बन रहा है। परी अब्दुल कलाम जैसे दिख रही है। हाँ, APJ अब्दुल कलाम, उनका भी हेयर स्टाइल ऐसा ही था। हाँ। काटने की जरूरत ही नहीं है। मस्त जोक मारा। तो फिर यहाँ पे अभी मेरा हेयर कट चल रहा है और अंकल बीच बीच में ना मेजरमेंट कर रहे थे। जैसे हाँ, मेजरमेंट तो करना है क्योंकि दोनों साइड जो है ना उसको सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो वुल्फ कट है वो लेयर लेयर करके है। तो फिर हाँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपना वो फाइनल लुक देखने के लिए, और इसीलिए मैं पूरा देख रही थी अंकल कैसे कट कर रहे हैं। तो मम्मी भी पूरा गौर से ऐसे देख रहे थे
क्योंकि उनको देख रहा था क्या अंकल कैसे कर रहे हैं. मेरे को लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही ट्राई करेंगे. हाँ एंड हाँ तो फिर आदि बाहर ना बैठा है सोफ़ा में और हम उसको पूछे कि वो क्या आज हेयर कट करेगा, लेकिन उसने बोला नहीं और इसीलिए हम आदि का हेयर कट कल करेंगे. तो फिर उसका भी एक सेपरेट ब्लॉग है जो कि आद्यांश चैनल में आने वाला है, ज़रूर देखना. आपको जानना है कि आदि कैसे अपना बैठा था कि हेयर कट करने के टाइम में, बाबा रे छोड़ा ही नहीं, बहुत बदमाशी कर रहा था. और हाँ तो फिर यहाँ पे अंकल अभी सामने वाला पार्ट करने वाले हैं, तो फिर उसके लिए सामने वाला पार्ट ना सबसे छोटा होने वाला है, मतलब इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं. और अंकल बोल रहे थे कि नेक्स्ट हेयर कट ना कुछ 6 मंथ्स के बाद होने वाला है, क्योंकि वो जो बाल है मेरे मतलब सामने का जो बैंग्स होने वाला है वो मेरे गले तक पहुँचने के बाद ही वो हेयर कट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होने वाला. इसीलिए तब तक तो मेरे को लगता है मेरा बाल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा. हाँ एंड तो फिर मम्मी यहाँ पे इतने गौर से देख रहे थे कि पापा जब उनके वीडियो कर रहे थे तो वो देखे और हंसे. और यहाँ पे अभी मैं देख रही थी कैसे कर रहा है, क्योंकि बीच बीच में क्या है बताऊँ, मैंने नोटिस की कि मेरा जो बाल है इतना बढ़ गया है. और उसमें क्या है बताऊँ कि मेरे कुछ बाल हैं वो ऐसे मतलब एक लाइन में नहीं है, इतना शेप में नहीं है, मतलब कोई एक बाल बहुत लंबा है, एक बाल छोटा है, एक बाल लंबा है, एक बाल छोटा. A few minutes later. कैसा है परी? Nice, अच्छा है. परी अभी से स्टाइल मारना शुरू कर दी. बाल आगे आ रहा है. बाल आगे आ रहा है, वो तो जानबूझ के सामने लाई हो तुम परी. वो तो तुम जानबूझ के ये बाल को सामने लाई हो. नहीं ऐसे ऐसा रहेगा परी, ऐसे करेगी. वैसे करना पड़ेगा, ऑप्शन तो नहीं है दूसरा. अभी हाथ थोड़ी है. ओहो तो पापा कह देना, पापा ठीक कर दो. ओ बाप रे, ओ मेरे ए पापा आप और आगे ला रहे हो, ये देखो. मम्मी आप ठीक करो, देखो ऐसे करते हैं. ओहो A few moments later. ओए लोमड़ी, परी लोमड़ी. ये वुल्फ है, फॉक्स नहीं. वुल्फ ही है. लोमड़ी मतलब फॉक्स, भेड़िया मतलब वुल्फ. ओके भेड़िया है तुम. परी भेड़िया है. गजब बेइज्जती है. Eventually. अच्छा है? स्ट्रेट बाल है पीछे का अलग है पूरा. अभी नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा? अभी तो ये हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आओगे कौन सा? अंकल बताएंगे, चेक करेंगे. कर्ली वाला कर देना प्रिया, कर्ली. वो ऐसे कर नहीं सकते उसको. नहीं मेरा वैसे करोगे ना फिर से स्ट्रेट ही हो जाएगा, जेनेटिक्स. ठीक है अच्छा ठीक करते हैं. कैसा लग रहा है? मैं को तो कुछ ठीक नहीं है. स्ट्रेट सर सामने का ही गया पीछे का और बाल कितना सारा गिरा है. बस ये चुभने ना लग जाए, मेरा फेवरेट ड्रेस है. वैसे भी बहुत पूरा टाइट हो गया था. मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है. तुम्हें बस सामने का देख रहे हो वैसे. मैं पूरा देख रहा हूँ. ओके ओके वैसे वैसे मैं जैसे सोची थी उस टाइम से एक्सपेक्टेशन वो पूरा इतना उसी होकर रहता था पूरा मशरूम जैसा ना. चलो आदि बोर हो गया होगा. हाँ। बैठे बैठे तो फिर अभी हम घर जा रहे हैं तो चलो. परी का ये है फाइनल लुक. मुझे तो यहाँ से ऐसे करके आना था. मुझे तो ओके ओके लग रहा है, जितना मैं सोचती उतना नहीं हुआ. आप लोगों को कैसा लगा वो बोलना. हाँ। आप लोगों को परी का न्यू लुक कैसा लगा? तो फाइनली परी का हेयर कट हो गया.
हाँ, I love this haircut. मेरे को तो ये परी को बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ओके ओके लगा, जैसे मैं सोची थी वैसे ऐसे लग रहा था कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. मैं एक्चुअली अच्छा सा एक हेयरकट ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ परी के जो सूट करे. तो फिर मेरे को तो ये हेयरकट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. और वो अंकल बोल रहे थे कि 6 मंथ लगेंगे उसको यहाँ तक आने के लिए, मतलब फ्रंट नेक्स्ट हेयरकट के लिए. ये वाला अभी थोड़ा लंबा होने के लिए टाइम चाहिए ना. यहाँ 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 इतना तक आना पड़ेगा. वो अंकल ऐसे बोले थे नेक्स्ट हेयरकट अगर फिर करना होगा तो 6 मंथ लगेगा. देखते हैं परी का, 6 मंथ की बात करते हैं या फिर हम 2 मंथ में फिर से चेंज कर देंगे, पता नहीं. और नेक्स्ट कौन सा हेयर स्टाइल करेंगे वो मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ. आप लोग ही सजेस्ट करना कि परी को कौन सा हेयर कट मतलब शूट करेगा. और ये वाला कैसा है कमेंट करके बताना. आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे वो. ओके सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना एंड तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. हम न्यू अभी ट्रिप पे जाने वाले हैं, इसके लिए इतना सारा तैयारी चल रहा है. वो वाला ब्लॉग बहुत जल्द आत्यांश के चैनल में आएगा. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना एंड बाय बाय. लेट्स एंड द वीडियो. आदि, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ये वाला वीडियो देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर जरूर देखना, बहुत मजेदार है.